डियर स्टूडेंट्स पर्वे हमें WBHA माध्यमिक टेस्ट पेपार्स 2022 बाँकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल टेस्ट मैथ MCQ समाधान करब। प्रथम प्रश्न, वार्षिक निर्दिष्ट शतकरा चक्रवृद्धि हार सूदे किछु टाका एन बचरे द्विगुण होले ओई टाका चार गुण हबे। मने करी वार्षिक 8% चक्रवृद्धि हार सूदे पी टाका एन बचरे द्विगुण है एवं ओई टाका चार गुण हबे टी बचरे, अथवा मने करी निर्णय समय टी बचर जेखने आसल पी टाका वार्षिक चक्रवृद्धि सूदेर हार 8%। शर्तानुसारे पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर एन इक्वल्स पी टाकार द्विगुण 2p टाका, बा उभय पक्षके पी दिए भाग करे पाई वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर एन इक्वल्स 2। धरि एटी एक नम्बर समीकरण एवं p इंटू वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर टी इक्वल्स पी टाका चार गुण 4p टाका, बा उभय पक्षके पी दिए भाग करे पाई वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर टी इक्वल्स 4, बा वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर टी इक्वल्स 2 स्क्वायर। वन थेके पाई टू इक्वल्स वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर एन, ताहले 2 स्क्वायर इक्वल्स वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर एन एर होल स्क्वायर, बा वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर टी इक्वल्स वन प्लस आर बाई 100 होल टू दि पावर एन इंटू टू टू एन, जेहेतु ए टू दि पावर एम होल टू दि पावर एन इक्वल्स ए टू दि पावर एम एन, तई टू इंटू एन टू एन। अतएव उभय पक्षे निधान एक ही, सुतरां सूचक एक ही हबे टी इक्वल्स टू एन। अतएव ओई टाका टू एन बचरे चार गुण हबे। सम्भाव्य चारटी उत्तरेर अपशन ए ते आछे टू एन बचरे, ताई अपशन ए टू एन बचरे सठिक उत्तर। द्वितीय प्रश्नटी लक्ष्य करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी इक्वल्स 0 समीकरणे बीज दुटी 3/2 एवं -2 होले ए ओ बी एर मध्य सम्पर्क हबे। ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी इक्वल 0 समीकरणे बीज दुटी 3/2 एवं -2 होले बीज दुटीर जोगफल -5/a, बीज दुटीर गुणफल b/a, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जेखने ए बी सी वास्तव ए नॉट इक्वल 0 एक्चुअल विशिष्ट द्विघात समीकरण बीज दुटी समष्टि -b/a बीज दुटीर गुणफल c/a सूत्रानुजायी। जेहेतु एखाने ए ओ बी एर मध्य सम्पर्क निर्णय करते हबे, ताई बीज दुटीर समष्टिर सूत्र व्यवहार ना करे बीज दुटीर गुणफलेर सूत्रेर व्यवहार करब। बीज दुटीर गुणफल समान ध्रुवक पद बाई एक्स स्क्वायर एर सहग, बा 3/2 इंटू -2 इक्वल्स ध्रुवक पद एखाने बी बाई एक्स स्क्वायर सहग एखाने ए, बा -3 इक्वल्स बी बाई ए, बा बजगुण करे पाई बी इक्वल्स -3a, बा बी प्लस 3a इक्वल्स 0। सम्भाव्य चारटी उत्तरेर अपशन सी ते आछे 3a प्लस बी इक्वल्स 0 जोग विनिमय नियम माने, अतएव बी प्लस 3a इक्वल्स 0 3a प्लस बी इक्वल्स 0। सम्भाव्य चारटी उत्तरेर अपशन सी
थ्री ए प्लस बी इक्वल्स जिरो सठिक उत्तर। तृतीय प्रश्नटी लक्ष्य करो, कोनो व्यवसाय ए 1800 टाका किछु समयेर जोन्नो एबं बी 1000 टाका 9 मासेर जोन्नो खाटालो, उभये लाभेर परिमाण समान होले ए टाका खेटेछिलो। मने करि ए टाका खेटेछिलो टी मास। आमरा जानि कोनो अंशीदारी कारबारेर क्षेत्रे अंशीदारगण विभिन्न समयेर जोन्नो तादेर अर्थ बिनियोग करले सेटी मिश्र अंशीदारी कारबार संक्रान्त एकटी समस्या। प्रदत्त एई समस्याटी मिश्र अंशीदारी कारबार संक्रान्त एकटी समस्या। एक्षेत्रे अंशीदारगणेर लभ्यांशेर अनुपात हबे समयेर सापेक्षे मूलधनेर अनुपात। अतएव ए ओ बी एर लभ्यांशेर अनुपात समान एक मास हिसाबे ए ओ बी एर मूलधनेर अनुपात समान ए एर 1800 टाका खेटेछिल टी मास, ताहले 1800 गुण टी इज टू बी एर 1000 टाका खेटेछिल 9 मास, 1000 गुण 9 समान उभय पक्षके 100 दिए भाग करे पाई 18 टी इज टू 90। उभय पक्षके 18 दिए भाग करे पाई टी इज टू 5। शर्तानुसारे टी बाय 5 इक्वल्स 1 बाय 1 बा टी इज टू 5 इक्वल्स 1 इज टू 1, कारण प्रश्ने बला हयेछे उभये लाभेर परिमाण समान बा टी इक्वल्स 5। अतएव ए एर टाका खेटेछिलो 5 मास। सम्भाव्य चारटी उत्तरेर अपशन सी ते आछे 5 मास, ताई अपशन सी 5 मास सठिक उत्तर। चतुर्थ प्रश्नटी लक्ष्य करो, ए बी सी डी एकटी वृत्तस्थ ट्रापिजियाम जार ए डि ओ बी सी बाहु परस्पर समान्तराल। ए बी सी डि एकटी वृत्तस्थ ट्रापिजियाम जार ए डि ओ बी सी बाहु परस्पर समान्तराल। जदि कोण ए बी सी समान 75 डिग्री हय, कोण ए बी सी अर्थात वृत्तस्थ ट्रापिजियामेर बी कोण 75 डिग्री हय, तबे कोण बी सी डि एर परिमाण कोण बी सी डि अर्थात वृत्तस्थ ट्रापिजियामेर सी कोणेर परिमाण कत हबे। जेहेतु ए डि समान्तराल बी सी एवं सी डि भेदक, अतएव कोण सी प्लस कोण डि इक्वल्स 180 डिग्री। जेहेतु एरा भेदकेर एक ही स्पर्शे अवस्थित अंतस्थ कोण। आमरा जानी दुटी समान्तराल सरलेखाके एकटी सरलेखा छेद करले छेदकेर एक ही स्पर्शे अवस्थित अंतस्थ कोण दुटीर समष्टि 180 डिग्री। ताहले एक्षेत्रे एडि समान्तराल बिसि, सिडि छेदक, ताहले छेदकेर एक ही स्पर्शे अवस्थित अंतस्थ कोण दुटीर समष्टि अर्थात कोण सी एवं कोण डि एर समष्टि 180 डिग्री। धरि एटी एक नम्बर समीकरण। आबार जेहेतु ए बी सी डि वृत्तस्थ चतुर्भुज, अतएव वृत्तस्थ चतुर्भुजेर विपरीत कोणगुलि परस्पर सम्पूरक। एई साधारण निर्वचन अनुयायी कोण बी प्लस कोण डि इक्वल्स 180 डिग्री। धरि एटी दु नम्बर समीकरण। एक वियोग दुई करे पाई कोण सी प्लस कोण डि माइनस कोण बी माइनस कोण डि इक्वल्स जिरो बा प्लस डि माइनस डि केटे दिलाम कोण सी इक्वल्स कोण बी इक्वल्स 75 डिग्री। अर्थात ए बी सी डि वृत्तस्थ ट्रापिजियाम जार ए डि एवं बी सी बाहु दुटी परस्पर समान्तराल, तार बी कोण एवं सी कोणेर मान समान हबे। अर्थात सी कोणेर मान 75 डिग्री। सम्भाव्य चारटी उत्तरेर अपशन ए ते आछे 75 डिग्री, अपशन ए 75 डिग्री सठिक उत्तर। पंचम प्रश्नटी लक्ष्य करो, ओ केंद्र विशिष्ट एकटि वृत्तेर ए बी व्यास एवं पी वृत्तेर उपर अवस्थित एकटि बिंदु। ओ केंद्र वृत्तेर ए बी व्यास
এবং পি বৃত্তের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু। কোণ এ ও পি সমান 120 ডিগ্রি হলে কোণ এ ও পি সমান 120 ডিগ্রি হলে কোণ পিবিও এর মান কত, কোণ পিবিও এর মান কত। এপি বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ কোণ পিওএ এবং বৃত্তস্থ কোণ বা পরিধিস্থ কোণ কোণ পিবিএ। আমরা জানি কোনো বৃত্তের একই বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণের মান বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ। অতএব কোণ পিওএ সমান টু অফ কোণ পিবিএ বা কোণ পিবিএ সমান হাফ অফ কোণ পিওএ বা কোণ পিবিও সমান হাফ অফ কোণ পিওএ সমান 120 ডিগ্রি সমান 60 ডিগ্রি। সম্ভাব্য চারটি উত্তরের অপশান বিতে আছে 60 ডিগ্রি, তাই অপশান বি 60 ডিগ্রি সঠিক উত্তর। শেষ প্রশ্নটি লক্ষ্য করো, একটি ঘনকের ঘনফল 1,000,000 ঘন একক হলে ওর প্রান্তরেখার দৈর্ঘ্য। মনে করি ঘনকটির প্রান্তরেখার দৈর্ঘ্য এ একক। শর্তানুসারে ঘনকটির আয়তন এ কিউব ঘন একক, এ কিউব সমান 1,000,000 বা এ সমান কিউব রুট অফ 1,000,000 সমান, তাহলে একের পরে মোট 6টি শূন্য আছে, কিউব রুট অফ 1,000,000 সমান একের পরে 2টি শূন্য হবে, অর্থাৎ এ সমান 100। অতএব ঘনকটির প্রান্তরেখার দৈর্ঘ্য 100 একক। সম্ভাব্য চারটি উত্তরের অপশান সিতে আছে 100 একক, অপশান সি 100 একক সঠিক উত্তর। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি এই পর্বের প্রতিটি সমস্যার সমাধান কৌশল বুঝতে পেরেছো। বুঝতে কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট বক্সে জানাও এবং পরবর্তী পর্বের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য চ্যানেলে প্রথম হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো।